से 6 महीने पहले तक आई वॉज लाइक मैं कभी शादी करने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। एवरीबडी ट्राई इवन फैमिली में हर साल को ना कुछ दिमाग लगाता था कि बस शादी कर दो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, एक्सट्रीमली फोर्स, बस शादी हो जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए। कल रात सपनों में मुझको मिली थी तू, यहाँ तू कहती थी मुझे जाना नहीं तू, वो तू ही थी जो लगती थी Even like, ये मैं सच बोल सकता हूँ कि जब मैंने इनको अप्रोच किया था तो सीन ये था कि आई वॉज लाइक वेटिंग फॉर द आंसर, एंड मेरे आसपास जितने भी लोग थे सबको मैं बोल रहा था कि प्रे फॉर द थिंग, अगर वो चीज़ हुई तो, अगर वो चीज़ होती है तो उसके बाद आई विल लाइक जो आप मांग रहे हो आपको मिलेगा, लाइक विश। प्रोटीन पाउडर गिफ्ट करूंगा जिसने प्रे किया मेरे लिए, उसने सीरियसली मैंने दिया ऐसे कौन बोलता है यार। मेरा शेड्यूल ऐसा था कि भाई सुबह 4 बजे से शाम तक इसलिए वर्क कर, पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल वाज लाइक जीरो, ठीक है। शी केम क्रॉस एंड शी टोल्ड मी लाइक डू यू हैव अ पर्सनल लाइफ और नॉट, आई वाज लाइक बात तो सही हो गई, तो वहां से हम क्रैक हो गए एकदम से। तो इसने सोचा इसी को पर्सनल लाइफ बना दे। मैं जल्दी आई थी, शी वाज ट्राइंग कि भाई एक लड़की है जिसको मैं पटा दूं उसके पीछे, कुछ भी हो जाए प्लीज। और इतनी वाहियत है, जो नहीं होता आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेस, लाइक मेरा फेस तो होना चाहिए ना, लाइक नहीं बस मेरी और तुम ही करना। मैंने कहा कैसे, दर्शन हुए थे जब तेरे मन पे थे भांग गए मेरे, काहे तू दुखती रग छेड़े, बनना नहीं है जो गिरे, अब तो कन्या के द्वार पे बलमा तैयार रे, जाने संसार ये पर तू ना समझे नारी, हम तेरे हम कार में बैठे हैं, मुझे भी याद है सासी सगल के टाइम, क्योंकि शी वाज लाइक ड्राइविंग एंड पहली बार ऐसा हुआ कि शी वाज लाइक लॉस्ट वहाँ पे, वो गाड़ी चला तो भूल के और सामने चढ़ाई ठोकने वाली 2 बार। मैंने बोला व्हाट हैपेंड, शी वाज लाइक फ्लशिंग, लाइक कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो हुआ है, मेरे को क्लिक कर दिया मैंने, कुछ तो है स्ट्रॉन्ग यार, और वाइब्स ऑब्वियसली आती है जबरदस्त। इतना बड़ा ईगो इस आदमी का, मेरे के मैं भी नहीं बोलता, तो देखा जाएगा। आधे एक घंटे तक आई एम लाइक स्टैंडिंग देयर, मेरे क्लाइंट्स क्लिनिक में वेट कर रहे हैं कि कब सर आए हैं, वो लाइक नहीं मैं नहीं जा रहा, कुछ वजह मुझे जाना, एंड तो शी वाज लाइक बोलना तक नहीं पड़ेगा, सब दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे को बता चुके हैं वो चीज़ के बारे में, बट हमने शुरुआत में दूसरे को कन्फर्मेशन नहीं दी, कुछ दिन ये चलता रहा। पर ऐसा है, हमारा जब कन्फर्म हुआ तब हमने ना कभी जिद नहीं की दूसरे के लिए, तो बस ठीक है चलता रहा, एवरीथिंग वाज सो ऑर्गेनिक। तो पहली मुलाकात में हो गया, मैंने
बट आई हैव अ बिलीफ कि किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई होता है और वो इवेंचुअली मिल ही जाता है. और पूजा, तेरी ममता मुझे बहुत तड़पाएगी, बहुत याद आएगी तेरी. तेरी सारी बचपन की यादें मैं सजो के रखूंगी. तू मेरी चिंता मत करना बेटा.